नमस्कार दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। आपको पता है कि गर्मी जो होती है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। हम इंसान तो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं, अपने लिए जुगाड़ कर लेते हैं। हर कमरे में हमारे एसी लगे होते हैं, फ़ैन लगे होते हैं, फ्रिज वगैरह लगे होते हैं। तो गर्मी से निजात पाने के लिए कई तरह के हमारे पास साधन हैं, लेकिन जो पक्षी वगैरह होते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, इंसानों के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पक्षी जो होते हैं इंसानों के मित्र होते हैं। तो विपदा के टाइम में अगर मित्र मित्र के काम ना आए तो फिर वो कैसी मित्रता। इसलिए दोस्तों, आपको भी मालूम होगा, मुझे भी मालूम है कि हमें पक्षियों के लिए पानी वगैरह का प्रबंध करना चाहिए, जो आज मैं भी कर रहा हूँ। ये मैं लेके आया हूँ मार्केट से। आप भी ये खुद भी बन जाता है, एक डिब्बा लेके उसको तार वगैरह या फिर रस्सी के साथ आप बांध के ऐसा तैयार कर सकते हैं, या फिर मार्केट में मिल जाता है इजीली, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, हमें समझ भी होती है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते रह जाते हैं ऐसा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम में से ही होते हैं, हम सोचते ज़्यादा और करते कम हैं। इसलिए आज से आप भी प्रण लें। आज 2021 है, होली का अगला दिन है, तो आज से ही ये प्रण लें कि आप भी कुछ ना कुछ इस तरीके का एक बनाएं, सिस्टम खुद बनाएं या मार्केट से लेके आएं, और पक्षियों के लिए तैयार करें, जहाँ पर पक्षियों के लिए पानी और दूसरे इसमें रख के आप अनाज वगैरह तैयार कर सकते हैं, अनाज वगैरह रख सकते हैं, ताकि जो पक्षी वगैरह होते हैं उनको जो खाने के लिए अनाज मिल जाए। जैसे कुछ भी हो, आपको पता ही है, हम चावल वगैरह को साफ़ करते हैं तो बीच में छोटे छोटे चावल के दाने होते हैं, या एक मुट्ठी चावल रख दो और या फिर पानी, साथ में पानी रख दो आप। तो ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं, लेकिन हम करते कम हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी करें, और जो करते हैं जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन पहले से करता है। मैं आज करने जा रहा हूँ ये। मैं खुद को बहुत बड़ा ये नहीं मानता हूँ कि मैंने ये किया, मेरे से पहले बहुत लोग कर चुके हैं, काफ़ी सालों से करते हैं, लेकिन मैं खुद की बात करूँ तो मैं आज ही करने जा रहा हूँ इसको। तो आज मेरे साथ कौन कौन करेगा और कौन कौन पहले से करता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए इस छोटी सी पहल को आगे बढ़ाते हैं और इसको कहीं लगाते हैं, टहनियों में, बिल्कुल सामने टहनियाँ हैं, वहाँ पे इस जुगाड़ को फिट करते हैं, ताकि पक्षियों को पानी मिल पाए, उनकी प्यास बुझ पाए और कोई भी प्यास और भूख से ना मर पाए।